नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों मैं दोबारा आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं कि मंडे को हम लोगों को कौन से ट्रेड्स लेने हैं, 10th ऑफ अगस्त को हम कौन से इंट्राडे में स्टॉक्स ले सकते हैं जो हमें इंट्राडे में फ़ायदा दे सकता है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि गाइज मैं एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ, एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हर सैटरडे को आप लोगों को हर वीकेंड्स में सैटरडे को आप लोगों को एक स्विंग ट्रेड प्रोवाइड होगा जो आपको एक हफ्ते के अंदर मंडे टू फ्राइडे के अंदर 8 से 10% का रिटर्न दे सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक। सो सबसे सीरीज की सबसे पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं डायरेक्टली और जाके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आई का आइकन शो कर रहा है, इस आइकन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। प्लस आप हमारे ट्विटर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ट्विटर पे मैं डेली एक स्विंग ट्रेड कॉल डालता हूँ जो मैं पर्सनली खुद बाय करता हूँ, तो भी आप जाके उसे देख सकते हैं जो मेरे खुद स्विंग ट्रेड पोर्टफोलियो में है और मेरे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में जो है मैं सारे स्टॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो ट्विटर का नीचे फॉलो का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं आप लोगों को डेली इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड कराता हूं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंट्राडे के लिए वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है, इस ब्लू कलर की लाइन पर हम क्या देख रहे हैं कि इस ब्लू कलर की लाइन पर यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिलता था। ये देख पा रहे हैं, ये पॉइंट था सपोर्ट का, जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ एक हमने ह्यूज गैप डाउन देखा, ह्यूज गैप डाउन देखने के बाद अगले दिन हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल देखी और एग्जैक्ट उसने वही लेवल को रीटेस्ट करा, आप देख पा रहे हैं यही लेवल को रीटेस्ट करा, विक थी जो उसकी, उसके बाद नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हम क्या देख रहे थे, ये हायर हाइज बनाना शुरू कर गया। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, आपके लिए हर एक स्टॉक पे लर्निंग है, तो अगर आप समझेंगे स्टॉक को आप ये सोच के आएंगे मेरे वीडियो पे देखने के लिए कि मैं टारगेट और स्टॉप लॉस नोट करके चले जाऊंगा, तो सिर्फ आप कुछ टाइम ही फ़ायदा कमा पाएंगे। बट अगर आप जो मैं सिखा रहा हूँ एक एक स्टॉक के अंदर अगर आप वो सीख जाएंगे तो आप खुद पर्सनली ट्रेड ले सकते हैं और अपना ट्रेड को कब एग्जिट करना है वो भी आपको पता होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया था ये, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, इवेंचुअली यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद हम क्या देख रहे हैं, स्टॉक ऊपर गया, जिसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये रेड कलर का जोन देख रहे हैं, ये इसका रेजिस्टेंस का काम था, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे आया और अब दोबारा नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट लेवल था 4000 का लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, एक राउंड नंबर था, इसके ऊपर ब्रेकआउट आया था, वहाँ से हमने 4300 तक की एक ऑलमोस्ट रैली देखी थी। अब नीचे आ चुका है और यहाँ सपोर्ट ले रहा है, आप देख पा रहे हैं इसी साइड में यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 4000 के लेवल पे। सो कल यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है और मैं सलाह दूंगा कि अगर यहाँ से कल ये इंट्राडे में मतलब जब मार्केट ओपन होती है और अगर ये कल गिरना शुरू होता है तो आप इसको मत ट्रेड करिएगा, बट जैसी ये रिकवरी होता है और 4005 के ऊपर जाना शुरू करता है आप इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये कल इंट्राडे पे खुलते ही ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी आप इसमें इंट्राडे में बाय की पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा आता है वो आता है HDFC AMC, जो कि मैं आप लोगों को बहुत बार सेलिंग के लिए सलाह दे चुका हूँ और अभी भी आप लोगों को सेलिंग की सलाह दे रहा हूँ। अब ये लेवल मैंने आप लोगों को किस लेवल पे सलाह दी थी, 2400 के लेवल पे। मैं ये लेवल आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने कब से आप लोगों के लिए चार्ट बना रखा, और अगर आप मेरी वीडियोस प्रीवियस देखते हैं आपको पता होगा मैं बहुत बार ये स्टॉक आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ। अब आप देख रहे हैं ये जो जोन है, ये जो बॉटम पे जोन था, इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड जोन, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन था मतलब जब भी इस जोन के अंदर शेयर आता था एक बाइंग आ जाती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम हुआ, इधर भी वही हुआ और इधर भी वही हुआ, देख पा रहे हैं आप। अब हम क्या देख रहे थे, अब जोन जो ये था वो इतना वीक हो गया था क्योंकि मल्टीपल बार ये इस जोन में टेस्ट कर चुका था और मैंने आप लोगों को प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि जब मल्टीपल बार कोई शेयर टेस्ट करता है एक सपोर्ट लाइन पे या रेजिस्टेंस लाइन पे तो वो लाइन वीक हो जाती है और वो इवेंचुअली ब्रेक हो सकती है और जब होती है तो नीचे डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। अब प्रीवियस डे हमें देख रहा था थर्सडे को इसके नीचे क्लोज हो गई थी और फ्राइडे के दिन हमने एक गिरावट भी देख ली उसके नीचे। अब इसकी जो क्लोजिंग हुई है 2370 पे हुई है। अब इसके नीचे कल जाता है जो लेवल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा आप नीचे सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं,
जो भी लेवल से आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइनिंग का लिंक आपको प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट स्टॉक आता है रिलैक्सो। रिलैक्सो का स्टॉक आता है और रिलैक्सो के स्टॉक पे भी आप देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को इस समय इस लेवल पे, ये जो लेवल था इस लेवल पे हमने आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म सेलिंग की भी सलाह दी थी और यही हमारा लेवल था, और इस लेवल पे हमने आप लोगों को बाइंग की भी सलाह दी थी, अगर आप लोगों को याद होगा। तो अब हमने क्या देख रहे हैं कि जो ये रेंज थी, इस रेंज के अंदर दोबारा स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो हमने बोला था जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता हम नई फ्रेश पोजिशन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अपर साइड की आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही थी यहाँ पे, और उसके बाद जब ऊपर गई और नीचे आई तब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही थी, और जब उसको दोबारा तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब ये ब्रेक कर चुकी है, अब ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुकी है, तो 625 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं कल इंट्राडे में। और मुझे लगता है कि 640 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे सकती है, और अगर आप 2 से 3 पर्पस के लिए भी होल्ड करते हैं तो ये 670 तक की भी मूवमेंट दे सकती है, तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप 2 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ये हमने अपने क्लाइंट्स को BTST की सलाह दे रखी है। अब आते हैं एल एग्रो, एल कार्गो में आते हैं। ये वाला स्टॉक भी हमने अपने क्लाइंट्स को BTST में दे रखा है फ्राइडे के दिन, और आपको मैं इसलिए नहीं ये स्टॉक प्रोवाइड करा रहा कि ये BTST हमने अपने क्लाइंट्स को दे रखा है, बट आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि मैं किस वजह से दे रहा हूँ। अब इस पे भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का। देखिए, लॉजिक समझिए, पैटर्न समझिए, प्रीवियस पास्ट के पैटर्न्स को आप स्टडी करोगे, चार्ट को स्टडी करोगे, आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा क्या हुआ इस पे। हमने देखा जब एक लो बना, लो से एक रिकवरी आई, उसके बाद हमने क्या देखा, शेयर एक रेंज में चले जाता था, रेंज में चले जाता था, थोड़ा सा फॉल करता था अपने हाई से, उसके बाद रेंज के जाने के बाद एक ब्रेकआउट दे देता था, और फिर ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली आती थी, उसके बाद दोबारा एक रेंज के अंदर चले जाता था, फिर ब्रेकआउट देता था, एक स्ट्रॉन्ग रैली आ जाती थी। हमने अब क्या देखा, दोबारा एक रेंज के अंदर गया, रेंज के अंदर का एक ब्रेकआउट आ गया और रीटेस्ट करके ऊपर भी जा चुका है, तो 99 के ऊपर यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है, और यहाँ पर भी जिस तरीके से यहाँ पर अपमूव और यहाँ पर अपमूव आ रही है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक अपमूव आ सकती है, तो इसको भी आप लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर रिलैक्सो और एल कार्गो ने बहुत अच्छा कल परफॉर्मेंस दी तो हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर होल्डिंग की भी सलाह दे देंगे और उनसे एग्जिट नहीं करवाएंगे। सो यहाँ पर भी आप लोग वॉच करके चल सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। अब स्टॉक आता है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मारुति। या अब मारुति को चेक कर लेते हैं, जो कि लास्ट स्टॉक है और ये भी मेरी पर्सनल होल्डिंग्स में ही है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारी जो यहाँ पर होल्डिंग हुई थी वो इस लेवल पे हुई थी, इस लेवल पे, ये जो आप रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, इस रेड कलर की कैंडल पे, मतलब अराउंड 262 के अराउंड लेवल पे ही बाय करी है, इसके आसपास ही हमने बाय पोजीशन बना रखी है। और जो ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं पिंक कलर की लाइन पे, जैसे ही पिंक कलर की लाइन ब्रेक होती थी हम अपनी पोजीशंस को इस पे ऐड करते गए हैं, एग्जिट नहीं करी है, हमने पोजीशंस को ऐड करा है, इस पोजीशन में भी ऐड करा है, इधर भी हमने अपनी पोजीशन को फ्राइडे को ऐड ही करा है। तो यही स्टॉक मैं तब भी आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर चीज़ अगर आप समझेंगे आप लोग डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर कमाएंगे। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, अब ये लाइन हमें क्या रिकमेंड कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है, ये दो लाइन देख रहे हैं, इस दो लाइन को अब एक रेंज समझ लीजिएगा, ठीक है। इस रेंज पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट, इधर एक स्ट्रांग सपोर्ट, जब ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, जब ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो ये दोबारा सपोर्ट। इतनी चीज़ आप लोगों को पता चल गई है, जब एक जो एक लाइन सपोर्ट की है, जब तक वो स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड करता है वो लाइन सपोर्ट की हो जाती है, जब वो सपोर्ट की लाइन ब्रेक होती है और रीटेस्ट होने के बाद वो दोबारा वहाँ से नीचे गिरना शुरू कर देती है, तो इतना पोर्शन तो सपोर्ट लाइन थी, फिर इतना पोर्शन रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, उसके बाद इवेंचुअली ये वाली लाइन फिर यहाँ पर ब्रेक हुई, रीटेस्ट करा और अब दोबारा नीचे गया और अब उसके ऊपर निकल चुका है, इस रेंज के ऊपर निकल चुका है। तो अब यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग और आ सकती है, आप लोग कल भी इस पर ट्रेड बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ तो मैंने 6200 से 6600 तक अपनी फ्रेश बाइंग को ऐड करते गया हूँ, और मेरा जो टारगेट है सबसे पहला वो टारगेट है अराउंड 8000 के आसपास, और उसके बाद जो हाई है वो 10000 के आसपास, और मैं उसके बाद भी एग्जिट नहीं करूँगा, उसके बाद भी मैं होल्ड करूँगा। मैं अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो मैं अपना खुद करता हूँ, और टेक्निकल प्लस
20% अपना मैं सिर्फ फंडामेंटल्स को स्टडी करता हूँ, नॉट पीई, नथिंग, सिर्फ सेक्टर एनालिसिस, और उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस। और मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खुद करता हूँ, और मैं डेफिनेटली आपको बता दूँ कि मैं 10 बैगर्स भी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, कुछ मल्टी बैगर भी आइडेंटिफाइज करके एग्जिट कर चुका हूँ। और गाइस आप लोगों को एक मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं पर्टिकुलर ये डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊँ, यूट्यूब पे शेयर करूँ, या एक सेमिनार जो वेबिनार होता है वेबिनार को अटेंड करूँ। क्यों? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को 2 मिनट दे सकें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या होता है जनरली दलाल स्ट्रीट में, जो भी हमारी मार्केट है, जैसे हम कहते हैं जैसे वॉल स्ट्रीट होती है वैसे दलाल स्ट्रीट हम इसे कहते हैं। क्या होता है कि जो स्टॉक हम लोग देखते हैं कि हमें बाय करना होता है, फॉर एग्जांपल कोई शेयर 10 रुपये का चल रहा है और वो 200 का हो चुका है, तो हम लोगों के जो माइंड, जब हम लोगों के आंखों के सामने वो शेयर, तब फॉर एग्जांपल एक्स स्टॉक है ये, ठीक है, ये शेयर 10 रुपये से 200 रुपये जा चुका है कुछ सालों में, और हम क्या देख, तब हम लोगों को पता चलता है कि ये 200 रुपये का शेयर है, हमारा हमारे आंखों के सामने आता है। और वो भी कब आता है, जब न्यूज़ चैनल्स हम लोगों के दिमाग, हम लोगों के आंखों में ऐसे नहीं आ जाता, हम लोगों के आंखों के सामने कैसे आता है, जब न्यूज़ चैनल्स वाले इसकी बहुत ज़्यादा इसको रिकमेंड करते हैं कि देखो 10 का 200 हो गया, और जब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, और हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, जब वो लोग इस पे बाइंग बनाना शुरू करते हैं और वो लोग अपने रिसर्च रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं कि हाँ अब इसमें मैं रेटिंग देता हूँ, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, तब ये हमारे दिमाग में आता है। और जब 10 रुपये का होता है तब उनके पास आता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सोच के चलोगे कि वो जब तक 200 का नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बाय करेंगे, तो ये माइंडसेट गलत है। अब म्यूचुअल फंड्स वालों को जो SIP करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, उन लोगों के पास भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि शायद हम लोग 5% से ज़्यादा कोई कंपनी में स्टेक नहीं ले सकते, या फिर उनके पास कुछ कम म्यूचुअल फंड्स में होता है कि मार्केट कैप का रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो भी कंपनी 100 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर है या फिर 1000 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर है उन्हीं कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती है उससे जो स्टॉक्स की लिमिट होती है, स्टॉक सिलेक्शन की जो लिमिट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इन पर्टिकुलर चीज़ों में, स्टॉक सिलेक्शन की जो लिमिट होती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, मैं जनरली जो फेवर करता हूं, मैं इंडिया स्टॉक मार्केट से ज़्यादा US स्टॉक मार्केट को फेवर करता हूं, क्योंकि मुझे उनकी कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा पता है फंडामेंटली, जिससे ज़्यादा मुझे इंडिया मार्केट के बारे में नहीं पता, मैं आप लोगों को फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि मुझे US की मार्केट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं खुद भी पर्सनली कुछ US के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करता हूं, प्लस फॉरेक्स पे करेंसी के थ्रू ट्रेड करता हूं, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा उनके बारे में ज्ञान है। तो आप सर्च करिएगा द लिमिटेड, एक कंपनी है द लिमिटेड, कब स्टार्ट हुई थी कंपनी, कब लिस्ट हुई थी, और वो कैसे स्टॉक बड़ा था, वो अराउंड 50 सेंट्स का हुआ करता था, 0.50, यहाँ हमारे पास 0.50 पैसा होता है, 50 पैसा, वहाँ पर 0.50 सेंट्स होता है। तो जब ये $30 हुआ तब वॉल स्ट्रीट पे आया नोटिस, या लोगों के दिमाग में आया, लोगों के मनों में आया कि सामने आया कि हाँ यार ये बाय करने वाला शेयर है, और बाय करने के बाद भी अगर $30 में भी बाय करा होता तो यहाँ से ये 60 हो गया था, मतलब 100 गुना हो गया था, 100% रिटर्न दे चुका था, बट यहाँ पर लोगों के दिमाग में नहीं आया और वो $30 हो चुका था। और यहाँ पर देखिए ये सारी कंसेप्ट होती है, मैं इसी बेसिस पर अपने स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ, मैं कभी भी ब्लू चिप की तरफ ज़्यादा ध्यान या फोकस नहीं करता, जो लोग कहते हैं ब्लू चिप में ध्यान दो और पैसों को रख के भूल जाओ, मैं उन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो चले नहीं है, जो FIIs के आंखों के सामने नहीं आया है, DIIs के आंखों के सामने नहीं आया, बट जो सेक्टर है और सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्री के अंदर वो पर्टिकुलर स्टॉक है उसके कैश फ्लोज कैसा काम कर रहे हैं और वो कुछ नए नए अपडेट्स ला रही है, मैं उन स्टॉक्स को ढूंढता हूँ और फिर मैं उन्हें रख लेता हूँ। तो गाइस इसी बेसिस पे मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपना खुद कर रहा हूँ अराउंड 12 लाख से, और मैं जनरली अब सोच रहा हूँ कि वो अच्छे से इंक्रीज़ होगा जिस तरीके से मेरा अभी तक प्रॉफिट दे रहा है। सो अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो मैं जनरली से आपको बता देता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, इसका मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन करूँगा और 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग जाके स्टडी करेंगे। या 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक रेंज है, ये देख पा रहे हैं, ये एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज पे अभी हम लोगों को फोकस करना है।
आप देख सकते थे इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करा, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक रीटेस्ट करा, उसके बाद हम क्या देख रहे थे एक रेंज के अंदर चला गया, रेंज के अंदर जाने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर कल ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक बाय बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ दिस, जो भी आपको लेवल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बट अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग दोबारा आ सकती है। निफ्टी पे मैं ज़्यादा ट्रेड लेने की अभी सलाह नहीं दूंगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पे भी अभी नहीं, जो लेवल बताऊंगा उस लेवल के ऊपर ही आप लोगों को लेना है, और या फिर उस लेवल के नीचे ही आप लोगों को शॉर्ट करना है। और वो लेवल मैंने आप लोगों को फ्राइडे के सेशन भी बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक रेंज मैंने आपको बता दिया येल्लो जोन, ये रेंज है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है, और ये रेंज एक सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, देख सकते हैं डबल टॉप टाइप सिनेरियो है, यहाँ पर मल्टीपल बॉटम्स बना चुकी है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर जो कि 21,900 के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, या फिर 21,400 के नीचे जाता है तो एक फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं। अभी इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं है, आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड लेने की इसमें भी कोशिश मत करिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये स्टॉक्स मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के टेलीग्राम चैनल के थ्रू, तो ट्विटर पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है। तो मैं कमेंट सेक्शन पर भी उसका लिंक डाल दूंगा, कमेंट पर पिन कर दूंगा, आप कमेंट के थ्रू भी क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, और उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा जिस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ, सीरीज स्टार्ट करिए चार्ट ऑफ द वीक, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा, और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको शो कर रहा होगा, वो वीडियो क्लिक करके अब आप देख सकते हैं। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।